आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 6 पार्ट्स गिवन हैं और इन सभी पार्ट्स में हमें लीनियर इक्वेशन का एक पेयर गिवन है। हमें इन गिवन पेयर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और जो भी इनमें वेरिएबल प्रेजेंट हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस वीडियो में हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमें दो इक्वेशन गिवन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल है वाई। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को कुछ नेम दे देते हैं। सपोज ये इक्वेशन है 1 और ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन हमें इजी लग रही है उस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में से हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन थोड़ा इजी लग रही है, तो हम इसी फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन से हम एक्स या फिर वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो सपोज अगर हमें y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम इस x वेरिएबल को ले जाएंगे और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x। अब ये जो माइनस का साइन है इसको भी हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो y हमें मिल जाएगा माइनस 3 माइनस 3x। अब इस माइनस के साइन से हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3x। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन से y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज ये इक्वेशन नंबर है 3। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए y की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में y के प्लेस पे रखेंगे, तो अब इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 3 और y के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस 3 प्लस 3x इक्वल टू 9 एज इट इज़ रहेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9x माइनस, इस 3 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 और 3 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा हमें 9 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। इसी तरह से ये जो माइनस का 3 है इसको इस 3x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 3 की इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 9, तो ये हो जाएगा माइनस 9x इक्वल टू में 9 एज इट इज़ रहेगा। अब x वाले वेरिएबल्स को हम पास पास लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9x और जो नंबर्स हैं उनको हम एक साइड ले आएंगे, तो ये वाला जो 9 है ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में और ये हो जाएगा माइनस 9। अब देखिए 9x में से 9x को अगर आप माइनस करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 9x से 9x कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू हमें मिलेगा 9 माइनस 9। इसका मतलब 9 इक्वल हमें मिल रहा है 9 की, बट हमें तो वैल्यू फाइंड करनी थी x की, इट मीन्स वेरिएबल की, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही कैंसिल हो रहा है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वेरिएबल कैंसिल हो जाते हैं तो उस केस में गिवन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पे ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी, यानी कि ग्राफ पेपर पे ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगी। और जब भी लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उस कंडीशन में हमें आंसर में लिखना होता है द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी ये जो गिवन पेयर है इसके इनफाइनाइट नंबर यानी बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर बहुत सारे सॉल्यूशन इन इक्वेशन के पॉसिबल हैं तो उस कंडीशन में कोई एक सॉल्यूशन हम निकाल के दिखा सकते हैं, बट इसके लिए हमें अपने मन से एक्स या वाई के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करनी होगी। तो सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें x के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू अपने मन से पुट कर देते हैं। सपोज x के प्लेस पे हम पुट करते हैं 1, तो 1 पुट करने पे इक्वेशन हो जाएगी 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 और इससे y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3, इट मीन्स माइनस वाई हमें मिलेगा 0 के इक्वल। और अगर इससे y निकालेंगे तो माइनस साइन राइट हैंड साइड में जाके ये भी पूरा 0 ही हो जाएगा, इट मीन्स y की वैल्यू हमें मिल गई 0
जब हमने x के प्लेस पे पुट किया 1। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन 1 या फिर 2 में x या y के प्लेस पर कोई और वैल्यू भी पुट करके अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो सॉल्यूशंस भी सही होंगे क्योंकि इन इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।